इधर कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है। बहुत साफ सफाई करते रहते हैं, घास निकालते रहते हैं, लेकिन होते रहता है। और इधर पूरा केला खराब कर दिया बिल्ली यहाँ पे। और इधर ही है कहीं पे बिल्ली, लग रहा है पूरा दिन इधर ही बैठी रहती है बिल्ली। और मैं यहाँ भी कचरा जला रही हूँ। ये रहा बिल्ली का बच्चा, बाउंड्री के उस साइड में है। बिल्ली का 2-3 बच्चा बचा हुआ है। मैं यहाँ कचरा जला रही हूँ, धुआं हो रहा है बहुत ज्यादा। और अभी थोड़ा देर पहले जिनका बिल्ली है वो आए थे और अपना एक बिल्ली को लेकर चले गए, वो काली वाली बिल्ली थी उसको लेकर के चले गए हैं। और 3 बच्चा बचा हुआ है, एक उसकी माँ, मतलब चारों हम लोग के घर में अभी तक घूम रहे हैं। और बहुत सारा पेड़ पौधा बर्बाद कर दिए हैं, उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्या करेंगे, बाहर रहते हैं अपना घूमते हैं। लेकिन आजकल घर के अंदर भी घुस जाते हैं। तो मैं, वो आए थे तो मैं बोली कि एक ही क्यों लेके जा रहे हैं, तो वो एक ले जाएंगे, धीरे धीरे लेके चले जाएंगे, जैसे जैसे कोई आएगा लेने के लिए वैसे वैसे लेके चले जाएंगे, क्या बोल सकते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं साफ सफाई में तो लगी हूँ, देखते हैं कितना देर तक चलता है मेरा साफ सफाई वाला काम, क्योंकि अभी तो काफी कुछ है। आंगन वंगन, मतलब सारा आंगन झाड़ू वूड़ू कर लिए हैं। उसके बाद मैं पीछे आई हूँ थोड़ा सा, इधर मैं पत्ता वगैरह जमा करके रखी थी। बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है तो वही मैं जला रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ भी थोड़ा सा और साफ सफाई करेंगे। घास तो इतना ज्यादा हो गया कि निकालते निकालते थक जाते हैं, लेकिन घास निकलते निकलते नहीं थकता है, क्या कर सकते हैं। वहाँ पे पानी एनी टाइम गिरता ही रहता है, तो थोड़ा बहुत मतलब पौधा वौधा में पानी डालते हैं ना, तो वहाँ का जमीन भीगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से घास हमेशा निकलता ही रहता है। और वैसे भी घास को निकलने के लिए कोई ये नहीं चाहिए होता है, वो निकल ही जाता, कहीं भी निकल जाता, तो पहाड़ के ऊपर भी निकल जाता है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा शाम के टाइम भी, जैसे हल्का फुल्का अंधेरा हो गया तो इधर आने को थोड़ा डर लगता है ना, यहाँ पे सांप वगैरह है। तो देखते हैं, अगर छील पाए तो छील देंगे, और नहीं तो लेट होगा तो फिर छोड़ देंगे, फिर किसी और दिन नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ देंगे, क्या करेंगे। एक दिन में सारा कुछ नहीं हो पाता, घर के अंदर का काम, बाहर का काम, हवा बहुत चलने लगा है, तो सारा कुछ मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। एक दिन में सारा चीज सोच लिए कि हाँ ये चीज करना है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि खाना पीना भी तो देखना है ना, नाश्ता वास्ता। वैसे नाश्ता मैं बना ली हूँ, नाश्ता बनाने के बाद ही मैं बाहर में आई हूँ। और बच्चे तो अपना क्लास चले गए हैं, अब देखते हैं कब तक मेरा बाहर का काम चलता है। तो आज मैं मेहंदी फुला करके रखी हूँ, रात में ही मैं फुला दी थी, अब मुझे मेहंदी भी लगाना है। इस बार मैं करीब 4-5 महीने के बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ। जब सर्दी का मौसम थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था तब मैं एक बार लगाई थी, एक या दो बार मैं लगाई थी, उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ। इस बार काफ़ी लेट हो गया, और मैं लोहा का कढ़ाई है मेरे पास, उसी में मैं फुलाती हूँ। लेकिन रात में काफ़ी लेट से मुझे अचानक से याद आ गया कि हाँ मेहंदी मुझे लगाना है, तो वही मैं इसी में फुला दी हूँ। इसको मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा, काफ़ी दिन हो गया मेहंदी लगाए हुए। मेहंदी लगाने से बाल थोड़ा अच्छा सा हो जाता है ना, इसीलिए मैं ज़रूर लगा लेती हूँ कभी कभी, मतलब इस बार तो काफ़ी लेट हो गया, सर्दी के मौसम में तो मैं लगा ही नहीं सर्दी की वजह से। और मैं आ गई हूँ बाहर का साफ सफाई करके, मेरा आँख लाल हो गया है ना, धुआं की वजह से लाल हो गया है। एक ग्लव्स तैयार करके मैं रखी हूँ, मैं पहले लगाती हूँ, उसके बाद घर का बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि तब तक फिर मेहंदी भी सूखता रहेगा ना, नहीं तो फिर मैं काम खत्म करके लगाने का सोचूंगी तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर मेहंदी सूखने में टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, और मैं ग्लव्स पहन रही हूँ क्योंकि मैं ग्लव्स लगा करके ही मेहंदी लगाती हूँ। अगर ग्लव्स नहीं लगाएंगे ना तो पूरा हाथ में भी मेहंदी का कलर चढ़ जाता है, उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हाथ पूरा लाल लाल सा रह जाता है और काफ़ी दिन तक रह जाता है। तो इसलिए मैं ग्लव्स लगा करके ही मेहंदी लगाती हूँ हमेशा। और मेरे पास तो काफ़ी ग्लव्स, मैं एक बार में ही पूरा एक डब्बा लेकर के आ गई थी ग्लव्स का, तो कितना था एक डब्बा में पता नहीं है, लेकिन एक ग्लव्स 2-3 बार तक चल जाता है, कभी कभी 2 बार यूज करने के बाद फट जाता है, और कभी कभी 3 बार तो चल ही जाता है, इतना तो पक्का है। और मैं इसी तरह से मैं मेहंदी लगाती हूँ, बालों का छोटा छोटा सा सेक्शन लेते जाती हूँ, उस पर मैं मेहंदी लगाते जाती हूँ, और फिर उसको फिर मैं लपेटते जाती हूँ, जो सेंटर में जो मैं पहले बनाई ना एक जुड़े की तरह, मैं उसी के ऊपर फिर मैं बाकी का भी लपेटते जाती हूँ। इस तरह से मेहंदी लगाने से पूरा बाल में बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाता है, कहीं पे छूटने का टेंशन नहीं रहता है। तो इसी तरह से मेहंदी लगाना चाहिए, छोटा छोटा सेक्शन करके। तो मैं मेहंदी लगा ली हूँ पूरा बाल में और ये कैप लगा लेती हूँ ताकि
चुए ना, ऐसे मैं थोड़ा ज्यादा ही मतलब पतला नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, ठीक ही रहता है ताकि चुए ना। फिर भी मैं लगा लेती हूँ ताकि कपड़े में ना हो। इस तरह से लगा के रखने से ना बाल जल्दी से सूखता नहीं है, मेहंदी मतलब मेहंदी नहीं सूखता है जल्दी से, जिससे अच्छा कलर आता है बाल में। मम्मी ऐसे मेरा चोटी पकड़ी, कितना अजीब लग रहा है ना। ऐसे आने वाली मेरा बाल बनाने वाली है, देखते हैं कौन सा डिजाइन बनाने वाली है। तुम्हें पता है मम्मी? हाँ। क्या कौन सा डिजाइन बनाएगी? नहीं पता नहीं है, देखते हैं कौन सा डिजाइन बन जाता है इसके माता में। अरे पूरा मेकअप शेकअप कल भी किए थे, लेकिन कल सूट नहीं किए, तो आज पूरा पूरा अच्छा से तैयार होने वाला है मेकअप शेकअप पूरा बाल। अब देखते हैं कैसे बनाती है मम्मी। तैयार, बताइएगा कमेंट में कि मुस्कान कैसी लग रही है। जैसे तीन छोटी है मुस्कान का, और इधर से भी तीन छोटी, हटाओ हटाओ वहां हटाओ। छह छोटी की है। मनु आ गया यहाँ पे उसका छोटी हिलाने के लिए, तो क्या कर रहा है, छोड़ दो ठीक है ना। मुस्कान का बाल बनाने के बाद में मैं उसका थोड़ा सा मेकअप कर दे रही हूँ, क्योंकि मुस्कान को आज बहुत मन था मेकअप करने का, क्योंकि वो रील्स बनाने जा रही है ना, इसलिए वो इतना तैयार हो रही है। वैसे वो बिना तैयार हुए ही ऐसे ही नॉर्मली रील्स बनाती है डांस वगैरह का, तो आज वो डांस का ही रील्स बनाने वाली है शायद।
तो बोली कि मम्मी आज तुम थोड़ा सा मेरा मेकअप कर दो। तो वही मैं उसका मेकअप करने लगी थी। वैसे वो जब भी स्कूल वगैरह में चाहे कहीं भी प्रोग्राम वगैरह होता ना तभी वो मेकअप करती है, वरना मेकअप नहीं करती है बिल्कुल भी। और तब तक मन्नू को भूख भी बहुत लग रहा था, तो मैं उन लोगों को खाना देने के लिए मैं आ गई किचन में। तो मन्नू को क्या सभी बच्चों को ऑमलेट खाना था, अंशु भी आया हुआ है, तो तीनों जन के लिए ऑमलेट बनाना था। तो मन्नू बोला कि टाइम लगेगा तीनों जन के लिए ऑमलेट बनाने में, तो आप खाना निकालिए और हम ऑमलेट बनाते हैं। तो मैं उसको मैं बोली कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और तो मैं अंडा फोड़ फोड़ कर फेंट करके मैं देते जा रही थी और वो ऑमलेट बनाता जा रहा है। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पता नहीं बारिश होगा या क्या होगा, कल तो बारिश हो गया था मगर आज पता नहीं होगा या नहीं होगा। धूप नहीं है फिर भी हवा चल रहा है, वो गर्म हवा चल रहा है, गर्म गर्म लग रहा है। और हम लोग का खाना पीना हो गया और अंशु पढ़ाई कर रहा है। अंशु पढ़ाई में बिजी है, 624 इधर मन्नू फोन में बिजी, उधर अंशु फोन में बिजी, और इधर मुस्कान सो गई। सब अपना अपना बिजी है। तो मैं टीवी देख लेती हूँ, आज फिल्म दे रहा ना सोले, मैं वही देखती हूँ बैठ के। और आज का ब्लॉग यही पैन करते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जा रहा है। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।